नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्री, अगर आप करा रहे हो किसी भी घर मकान या फिर ज़मीन की या फिर खेत की, तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आता है कि आप मान लीजिए किसी से किसी भी तरह की ज़मीन भूमि मकान या फिर दुकान वगैरह खरीद रहे हो, तो उस दुकान ज़मीन भूमि की यहाँ पर रजिस्ट्री कराते समय क्या खर्च आएगा, कितने रुपये के जो ऑनलाइन स्टाम्प की पेमेंट होती है वो होगी। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, पूरा डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आप काउंट कर सकते हो, एक एक रुपए काउंट कर सकते हो, कितने रुपए का खर्च आएगा रजिस्ट्री के दौरान। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर पर सिंपली सर्च कर देना है MPIGR लिख कर सर्च कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लिंक आएगी उपयोगकर्ता लॉगिन। अगर आपके में ये फर्स्ट लिंक नहीं आती है तो यहाँ पर साथ में आप MPIGR लॉगिन भी लिख कर सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पर ये लिंक डेफिनेटली आ जाएगी। तो आपको इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ से नया उपयोगकर्ता के ऑप्शन दिया गया है नीचे की तरफ, यहां से आपको अपनी नई यूजर आईडी क्रिएट कर लेनी है। यूजर आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, सिंपली जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी बनाते उसी तरीके से यहां पर भी एक नया यूजर आईडी आपको खुद का क्रिएट करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर सिंपली मैंने तो क्रिएट ऑलरेडी करके रखा था, मैं यहां पर डायरेक्ट लॉग इन के लेता हूं, क्योंकि यहां पर एक एक चीज बताने बैठूंगा तो काफी समय लगेगा, थोड़ा इसीलिए स्किप किए देता हूं, स्पीड में बताते चलता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको आपकी जो भी लॉग इन आईडी हो, पासवर्ड आपने बनाया उसे डालिए, लॉग इन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे ही लॉगिन कर लेते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर संपत्ति मूल्यांकन और शुल्क गणना यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो सिंपली यहाँ पर संपत्ति का मूल्यांकन पर जैसे ही माउस का कर्सर ले जाओगे तो वहाँ पर आपको दोबारा से संपत्ति का मूल्यांकन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पूरा मध्य प्रदेश का स्टेट का यहाँ पर ये जो नक्शा है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका नक्शा हो, जो भी आपका जिला हो, उस जिले को आपको सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा टीकमगढ़ है तो मैं टीकमगढ़ सेलेक्ट की लेता हूँ। टीकमगढ़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करना है, प्रॉपर मैं टीकमगढ़ से टीकमगढ़ सेलेक्ट की लेता हूँ। इसके बाद क्षेत्र प्रकार आपको सिलेक्ट करना है, नगरीय ग्रामीण आपका जो भी हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नगर पालिका में मेरा क्षेत्र आता है तो मैंने नगर पालिका सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मेरा जो वार्ड आता है मैं उसे सिलेक्ट की लेता हूँ। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मेरा यहाँ पर वार्ड आता है 16 महावीर स्वामी वार्ड, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सिंपली ग्राम मोहल्ला कॉलोनी आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर रौरैया मोहल्ला सीनियर बेसिक स्कूल तक रोड पर या मोहल्ला सीनियर बेसिक स्कूल तक रोड से हटकर पीछे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट ही लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए संपत्ति का प्रकार, अब यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन मिल रहे। पहला भूखंड, भूखंड मतलब कि आपकी शहरी एरिया में कहीं पर भी ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है तो उसे बेचना चाहते हो तो भूखंड पे सिलेक्ट करना होगा। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। और अगर आपकी कृषि भूमि है तो कृषि भूमि सिलेक्ट करनी होगी, तो हमारी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग सिलेक्ट की लेते हैं। फिर अगले बटन पर क्लिक की देते हैं। अगले बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर स्वतंत्र निर्मित भवन, मतलब किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है, पूरा बना बनाया घर है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आवासीय पर क्लिक करना है, अगर आपका व्यवसाय है तो व्यवसाय, औद्योगिक है तो औद्योगिक, स्वास्थ्य इकाई, शैक्षण इकाई, अन्य आवासीय सह आवासीय, मतलब कि जिस भी टाइप का आपका है उसी टाइप का सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिंपली आवासीय है तो आवासीय सिलेक्ट करें और आगे बढ़े बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर जो राइट टिक दिया गया, सबसे पहले तो यहाँ पर राइट टिक कर लेना कि आप संपत्ति हाउसिंग बोर्ड की लीड होल्ड संपत्ति है, तो यहाँ पर हाँ कर दें, अगर नहीं है तो नहीं कर दें, ठीक है ना। तो मेरे में ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने इसी लिए यहाँ पर टिक नहीं किया। इसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल मांग रहा है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल में काफी लोगों को कठिनाई होती है कि यहाँ पर क्षेत्रफल क्या डालें, तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि आपका जो भी आपके घर जमीन का जो भी नक्शा हो उसे निकाल लीजिएगा, जो रजिस्ट्री में नक्शा लगा होता है ना उसे निकाल लीजिएगा, उस नक्शे पर ही आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर वर्ग किलोमीटर 57.62 है, तो मैं यहाँ पर 57.62 भरे लेता हूँ। अब कुल क्षेत्रफल में भी आप 57.62 भर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आपका दो मंजिला है, एक मंजिला है तो तल
पहला मंजिल तो आपको सिलेक्ट करनी ही होगी, ठीक ना, क्योंकि एक मंजिला है तो वो तो आपको सिलेक्ट करना ही होगा। अगर दो मंजिला है तो यहाँ पर भी आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे, उनको सिलेक्ट करते जाना है। देखिए जैसे कि और तल जोड़ें, अगर दो मंजिला है तो यहाँ से और तल जोड़ते जाइएगा। और यहाँ पर देखिए कितने साल पुराना, मतलब निर्माण को कितने साल हो गए हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ अभी साल नहीं हुए हैं तो मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं करता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आवासीय वर्ग मीटर और RCC, मतलब कि अगर आपका सीमेंट गुम्मे से मजबूती से बना हुआ है आपका मकान, तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे अपना जो भी वर्ग मीटर हो रहा होगा उसको भरना होगा। टिन शेड से बना है, मतलब कि चद्दर वगैरह डालकर बना है आपका मकान, तो उसको भरना होगा। अगर आपका कच्चा मकान बना हुआ है तो आपको उसको भरना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरा कच्चा मकान बना है तो मैं यहाँ पर कच्चा मकान सेलेक्ट किए लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे बड़े बटन पर क्लिक कर देता हूँ, अगला लिखा है ना नीचे की तरफ उस पर क्लिक किए देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर बाजार मूल्य रुपये यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जैसे कि आ रहा है 252,546। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको कॉपी किए लेता हूँ 252,546। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं 252,000 का एक एवरेज बना लेता हूँ, ठीक है ना। 252 रुपये का मेरा ये बाजारी मूल्यांकन निकल रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट के हिसाब से इतने की मेरी ज़मीन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि देखिए अब जिसके भी नाम पर आप कराने जा रहे हो तो उसकी भी एक परसेंटेज चलती है। मान लीजिए आप किसी महिला के नाम पर रजिस्ट्री कराने जा रहे हो तो महिला के नाम पर आपका 10.5 रुपये के हिसाब से यहाँ पर रजिस्ट्री बनेगी, और पुरुष के नाम पर कराने जा रहे हो तो वहाँ पर आपकी 12.5 के हिसाब से रजिस्ट्री बनेगी। मान लीजिए महिला के नाम पर कराने जा रहे हो तो यहाँ पर सिंपली आपको उसी बाजार मूल्यांकन को टाइप करना है, या मतलब कि भाग करना होगा उसी बाजार मूल्यांकन को यहाँ पर 10.5 से, ठीक है ना, क्योंकि आप महिला के नाम पर कराए। तो यहाँ पर मैं जैसे ही भाग दूंगा तो यहाँ पर 24,000 की रजिस्ट्री टोटल निकल कर आती है, मतलब कि मुझे 24,000 की यहाँ पर रजिस्ट्री करवानी होगी। मतलब कि यहाँ पर मेरी इस रजिस्ट्री को जो भी खरीदता है उसे 24,000 रुपये का चूना लगने वाला है गवर्नमेंट की ओर से, उसे एक स्टाम्प फीस कटवानी होती है, तो यहाँ पर वो 24,000 की बैठ रही है। अब यहाँ पर उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग भी मूल्यांकन करना सीख गए होंगे, कितने कैसे की यहाँ पर रजिस्ट्री के दौरान रसीदें वगैरह और क्या कैसे का खर्च आएगा आपका, इसका मूल्यांकन करना सीख गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।